नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 क्या असर होगा आपकी राशि के ऊपर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ग्रहण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और विज्ञान के अनुसार मानव जीवन और धरती पर असर डालता है, ये सिद्ध हो चुका है। तो हमारे मन में संशय नहीं रहना चाहिए कि वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण का महत्व नहीं होता है। वैज्ञानिक और धर्म दोनों तरीके से ग्रहण का असर हम पर और धरती पर पड़ता है। 21 जून का ग्रहण भारत में दिखाई देगा और भारत के लोगों पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर होगा। यह ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं को ला सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल सकता है। पानी, तूफान, बारिश, भूकंप, हिंसा, मृत्यु दर का बढ़ना, बीमारी का बढ़ना, प्रकोप का बढ़ना, पड़ोसी देशों से तनातनी का माहौल, छुटपुट हिंसक घटनाएं होना, सरकार विरोधी ताकतों का सर उठाना, ऐसा कुछ कुछ घटनाएं देश में हो सकती हैं और आपको अभी सावधान रहने की आवश्यकता है, थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सूर्य ग्रहण जो है 21 जून को लगेगा, 21 जून को लगभग 10:20 पर आरंभ होगा और लगभग 1:49 पर मोक्ष काल होगा। ग्रहण की कुल अवधि 3:49 की होगी और सूतक 20 जून की रात्रि लगभग 9:52 पर लग जाएगा। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग थोड़ा अपना ध्यान रखें, इनको कुछ विशेष छूट प्राप्त होती है, अन्य सामान्य लोगों को नहीं होती है। और ग्रहण काल में आप कुछ भी भोजन न पकाएं, न खाएं और अब घर के मंदिर को छुए नहीं, धूप दीप बत्ती न जलाएं और भगवान का स्मरण करें। जब मोक्ष हो जाए यानी ग्रहण समाप्त हो जाए तब धूप दीप बत्ती जला सकते हैं, मंदिर को छू सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं, दान वगैरह भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि ग्रहण शुरू होने से पहले और ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान जरूर करें। तो आइए जानते हैं ग्रहण में क्या होता है जो हमें अच्छा या बुरा रिजल्ट देता है। ये ग्रहण कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन खंड ग्रास के रूप में दिखाई देगा। अब जानते हैं आपकी राशि पर इसका क्या शुभ या अशुभ परिणाम होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की। यह ग्रहण भारत, दक्षिण पूर्व यूरोप और एशिया में दिखाई देगा। कुंभ राशि के लिए यह ग्रहण पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में मिथुन राशि है और यह ग्रहण मिथुन राशि में ही लग रहा है और यह ग्रहण मिथुन राशि में होने के कारण और पंचम भाव में आपके लगने के कारण कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए संतान पक्ष की तरफ से आपको चिंता या तनाव की स्थिति हो सकती है। अगले 6 मिनट तक आपको लड़ाई झगड़ों से, दूसरों से किसी भी विवाद से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से समय को बिताना चाहिए। नौकरी व्यापार ठीक प्रकार से चलेगा, नए काम शुरू करने से पहले उपाय करें और विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। आपकी जमा पूंजी को आपको बड़ा संभल कर खर्च करना चाहिए, बचाने की कोशिश करनी चाहिए, खर्चा कम करना चाहिए। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव पहले से ही चल रहा है तो आपको थोड़ा और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 21 जून को 6 बड़े ग्रह वक्री होंगे यानी उल्टी चाल चलेंगे, शनि, गुरु, शुक्र, बुध, राहु और केतु, और यह ग्रहण रविवार को है तो ऐसे ग्रहण को हम चूड़ामणि ग्रहण भी कहते हैं। ग्रहण का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा, आपके कामकाजी जीवन पर पड़ेगा। जो भी लोग हृदय संबंधी बीमारियों से चिंतित है या ग्रसित है उनको विशेष ध्यान रखना होगा। एक बात और भी जान लें, पंचम भाव में बुध और राहु है और बुध और राहु जड़त्व दोष का निर्माण करते हैं और साथ में सूर्य भी बैठे हैं और ग्रहण लगा रहे हैं और बुध वक्री भी हैं, तो जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा में अवरोध पैदा हो सकता है। तो माता पिता अपने संतान के ऊपर प्रेशर ना बनाएं कि उन्हें पढ़ना है, उनको डांट कर, मार कर या प्रेशर बनाकर पढ़ाई के लिए उकसाएं नहीं। वो जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं प्यार मोहब्बत से पढ़ाई करने दीजिए। आपकी मार, आपकी डांट भारी पड़ सकती है आपके ऊपर यानी माता पिता के ऊपर या गुरुजन के ऊपर। प्यार से बात करिए, प्यार से उनको पढ़ने के लिए कहिए। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो संभल कर बात करिएगा अपने प्रियतम से। विवाह हो गया है तो अपने जीवन साथी से भी संभल कर बात करिएगा। आपके शब्द अच्छे होने चाहिए नहीं तो आपके शब्दों का जो जाल है उसमें आप खुद फंस जाएंगे और लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो बढ़िया बदलाव देखने को मिलेंगे ग्रहण के कारण। आपके हित में होगा ये ग्रहण नौकरी और व्यवसाय को लेकर। वैवाहिक जीवन हो या प्रेम संबंध हो अपने पार्टनर से प्यार से बात करने की आपको आवश्यकता है। विवादित जुबान बिल्कुल भी नहीं बोलनी है, बदजुबानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, इससे माहौल बिगड़ सकता है। वाहन का सुख आपको मिलेगा लेकिन वाहन बहुत संभल कर चलाएं,
वाहन की ब्रेक और जुबान की गति पर अगर यदि नियंत्रण रखा तो काफी अच्छे फायदे आपको हो सकते हैं, और क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा। अब बात करते हैं कि आप ग्रहण काल वाले दिन कैसे शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद गुड़ और गेहूं का दान करें। ये गुड़ और गेहूं आप सूतक से पहले खरीद रख लें तो बढ़िया रहेगा। पानी और भोजन किसी ब्राह्मण को दान में दें, यानी उसको भरपेट भोजन कराएं और बढ़िया पानी पिलाएं या शरबत पिलाएं। ओम आदित्य नमः मंत्र का जाप करें। भैरव आराधना करना लाभ रहेगा, विष्णु जी की आराधना करने से लाभ मिलेगा। शनि मंत्रों का जाप करें। छाता या चप्पल का भी दान आप कर सकते हैं किसी जरूरतमंद महिला या पुरुष को। तो ये था कुंभ राशि वालों के ऊपर ग्रहण का प्रभाव, और ये थे कुछ उपाय जिनसे हम ग्रहण काल में जो अशुभ प्रभाव हम पे पड़ते हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं या उनको कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस ग्रहण काल में सावधानी रखेंगे, और इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि ग्रहण में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें। जीवन में कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, और रक्षा कवच मंगाने के लिए दिए गए नंबरों पर फोन करके अपना रक्षा कवच जल्दी बुक करा लें। हरिओम नमस्कार। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में खुशियां आए, उनके जीवन में कष्ट दूर हो? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो ये जाने कि ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिख कर भेजा है? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको कब क्या मिल सकता है? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी तक उन्हें सुख क्यों नहीं मिला? आप में से कितने लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि सुख के दिन कब से शुरू होंगे? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे दुश्मन क्या है, हमारी कमियां क्या हैं? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कौन सा रत्न, कौन सा आभूषण, कौन सा रुद्राक्ष पहने जिससे हमारी मेहनत का हमें पूर्ण फल मिलना शुरू हो जाए? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे? क्या उनका भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा? क्या उनके नाम को भी लोग प्यार से लेंगे? कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में कौन शत्रु है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? ये सारे सवाल अगर आपके भी मन में उठते हैं तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करें। आपकी कोई सी भी राशि हो, आपका कोई सा भी लग्न हो, आप इंडिया में रहते हों, इंडिया के बाहर रहते हों, आप छोटी जगह पे रहते हों, बड़ी जगह पे रहते हों, आप के अंदर अगर ये जानने की इच्छा है तो आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर, और हम आपको बताएंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या है और उसका समाधान क्या है। तो आप लोग संपर्क करें और अपने मन के प्रश्नों को मारिए मत, अपने मन के प्रश्नों को जानिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो तुरंत फोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपने जीवन से जुड़े हुए हर राज को जान जाइए। हरिओम नमस्कार।